Hi guys, welcome back to super quick revision of SCMPE lecture number 14. Hum log standard costing se start kar rahe hain. So standard costing, one of the important topics, obviously jo exams ke andar aata hi aata hai. So what we all are doing in the first lecture, we are just trying to revise everything of material. तो जो भी आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक किया है आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज ऑल दोज पर्टिकुलर थिंग्स ऑफ मटेरियल चाहे जिधर भी आपकी बुक के अंदर था ओके दिस लेक्चर इज ओनली ऑन मटेरियल वेरिएंसेस सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट मटेरियल इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट बट आउटपुट मीन्स आउटपुट ऑफ फिनिश गुड्स प्लस आउटपुट ऑफ WIP मटेरियल कॉस्ट का खर्चा तब भी होता है जब आप फिनिश गुड्स बनाते हो मटेरियल कॉस्ट का खर्चा तब भी होता है जब आप लोग इनकम्प्लीटेड यूनिट्स बनाते हो ओके सो आउटपुट मींस इक्वालेंट आउटपुट इक्वालेंट आउटपुट के अंदर आप लोगों को क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ WIP भी आ जाएगा क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ फिनिश गुड्स भी आ जाएगा और अगर कभी इक्वालेंट आउटपुट नहीं दिया हुआ प्लीज मेक स्टेटमेंट ऑफ इक्वालेंट आउटपुट And for that, you will always follow which particular method? FIFO method. Okay. तो अगर आप लोग को याद होगा तो अपना statement of equivalent output, opening stock, process further and completed, started and finished. और उसके बाद started and not finished. उसके हिसाब से तुम्हारा जो output है वो आ जाएगा. ठीक है? चलो. वो आपका first चीज. Second. We always make revised standard for actual output. First thing in the question is that आप लोग output ढूंढो. अगर WIP है, so output means equivalent output. ठीक है? और हम लोग हमेशा revised standard बनाते हैं for equivalent output. तो something like this. Sum के अंदर जो भी standard दिया रहेगा, वो कुछ units of finished goods बनाने का standard दिया रहेगा. कुछ भी numbers लिख रहा हूँ. See that given standard is there for 100 units of finished goods. 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए सपोज ए का 200 चाहिए बी का 300 यूनिट्स चाहिए इन ऑल 500 यूनिट्स चाहिए अपार्ट फ्रॉम दैट सपोज यहाँ पर रेट से 5 and 10 तो ये तुम्हारा मटेरियल कॉस्ट का खर्चा होना चाहिए दिस मटेरियल कॉस्ट शुड गेट इनकर्ड फॉर मेकिंग कितना यूनिट्स यार 100 यूनिट्स ठीक है दैट इज वन थिंग अपार्ट फ्रॉम दैट सपोज इन रियालिटी तुम्हारा जो आउटपुट आया 250 यूनिट्स का आया इन रियालिटी योर आउटपुट वॉज 250 यूनिट्स तो याद रखना एक्चुअल आउटपुट वॉज 250 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स सो रिवाइज स्टैंडर्ड विल ऑल्सो बी मेड फॉर 250 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स अपार्ट फ्रॉम दैट इन दिस केस इस चीज़ को बेस लो ये वाला डेटा 100 यूनिट्स का डेटा है रिवाइज इट फॉर 250 तुम्हारा जो फॉर्मेट है वो बन जाएगा एक्चुअल के अंदर देख लो कितना रॉ मटेरियल लगा किस रेट के ऊपर परचेज किया और तुम्हारा जो खर्चा है कितने रुपीज़ का हो गया बस वंस योर दिस बेसिक फॉर्मेट इज रेडी यू आर नाउ रेडी फॉर द क्वेश्चंस एक छोटा सा एडजस्टमेंट कभी ना कभी आ सकता है क्या है यहाँ पे ना यूनिट्स का डेटा है ठीक है तो 100 यूनिट बनाने के लिए आपको हाउ मच रॉ मटेरियल डू यू रिक्वायर बॉस 500 ओके Now, in this particular case, it might happen that institute wants to know how good you are at in thinking also. तो वो लोग क्या कर सकते हैं वो लोग शायद आपको डेटा केजीज के अंदर दें कुछ ऐसा वो लोग कुछ ऐसे बोलेंगे आप लोगों ने 10 किलो ऑफ ए अंदर डाला 20 केजीज ऑफ बी अंदर डाला सो इन ऑल रॉ मटेरियल अगर 30 केजीज अंदर डाला 20% ऑफ दैट विल बी लॉस ठीक है हमको ऐसा लगता है लगता है मतलब ये वाला डेटा स्टैंडर्ड डेटा है तो 30 केजीज अगर अंदर डालेंगे लॉस विल बी कितना 20% मतलब कितना 6 केजी सो दिस विल बी द गिवन स्टैंडर्ड फॉर 24 केजीज ऑफ फिनिश गुड्स जब तक यूनिट्स का डेटा होगा ना वो लोग आपको लॉस का डेटा नहीं देंगे लेकिन जब केजीज का डेटा होगा वो लोग आपको लॉस का भी डेटा दे सकते हैं ठीक है तो याद रखना स्टैंडर्ड डेटा के अंदर जो भी लॉस हम लोग सोचेंगे दैट विल बी स्टैंडर्ड लॉस ठीक है अब जरा सोचो 24 केजीज के लिए ए और बी 10 और 20 केजीज लगना चाहिए था ठीक है सपोज शुड हैव बीन परचेज एट द रेट ऑफ 5 and 10 तो ये वाला चीज कितना आ गया 50 ये वाला चीज कितना आ गया 200 तो ये कितना आ जाएगा 250 सपोज एक्चुअल के अंदर जो तुम्हारा आउटपुट था दैट वॉज 72 केजीज ऑफ फिनिश गुड्स ठीक है 72 केजीज ऑफ फिनिश गुड्स तो 24 केजीज के लिए 10
सो 72 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 90 एट द रेट ऑफ 5 एंड एट द रेट ऑफ 10, तो ये आ जाएगा 150, ये आ जाएगा 600 और ये आ जाएगा 750. ठीक है, अभी ध्यान से ज़रा सुनना मैं क्या बोलता हूँ. 72 केजीज के लिए 90 केजीज ऑफ रॉ मटेरियल लगना चाहिए था. सपोज 100 केजीज लग गया और उसका ब्रेकअप कुछ ऐसे था 45-55, परचेज एट द रेट ऑफ 69. तो याद रखना इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नॉर्मल लॉस या स्टैंडर्ड लॉस. इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नॉर्मल लॉस या स्टैंडर्ड लॉस, लेकिन इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज एक्चुअल लॉस. ठीक है, चलिए नाउ वंस योर दिस बेसिक फॉर्मेट इज रेडी, तो ये आंसर आ गया, उसके बाद ये आंसर आ गया, उसके बाद ये आंसर आ गया. नाउ विच वेरिएंसेस, नाउ मटेरियल के अंदर देर आर 5 वेरिएंसेस टू बी रिमेंबर्ड. ओके, फर्स्ट टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. मैंने तुमको कोई फॉर्मूला नहीं सिखाया, यू ऑल नो एवरीथिंग डायरेक्टली, देर आर नो फॉर्मूलाज, जस्ट इन रिविजन आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट पर्टिकुलर थिंग. तो टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट माइनस एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा होगा तो एडवर्स. मटेरियल प्राइस वेरिएंस तुम्हारा नेक्स्ट वाला चीज़. मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैसे आता है, किस रेट पे खरीदना चाहिए था, किस रेट पे खरीदा, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी दैट इज देयर. ओके, ये 50 था, शायद एक जीरो इरेज आ गया. ओके, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस वो कैसे आता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, वो तुम्हारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस. उसके बाद मटेरियल यूसेज वेरिएंस. यूसेज वेरिएंस नाम से सब कुछ पता चल जाता है, नाम से ही रिलेट किया करो. यूसेज वेरिएंस कितना रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए था, कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ, ऑब्वियसली इनटू स्टैंडर्ड रेट्स. याद रखना मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परचेज मैनेजर एंड यूसेज वेरिएंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर. ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन मैनेजर के लिए हम लोग इस वेरिएंस का ब्रेकअप भी करते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस. मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस कैसे कंप्यूट होता है. मटेरियल मिक्स वेरिएंस हम लोग क्या कर लेते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल इतना यूज हुआ, उसका ब्रेकअप क्या होना चाहिए था, उसका ब्रेकअप क्या हो गया, तो वी विल बी डिवाइडिंग 100 इन द रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड रेशियो. ओके, सो देयरफॉर 100 का ब्रेकअप 1:2 के अंदर होना चाहिए था, तो निकाल लेना ब्रेकअप क्या होना चाहिए था और सच्ची में देख लो ब्रेकअप कितना हो गया, दिस डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट. मैंने वही वाला चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ एक्चुअल रॉ मटेरियल यूज्ड, 100 केजीज का ब्रेकअप क्या होना चाहिए था माइनस एक्चुअल मिक्स ऑफ एक्चुअल रॉ मटेरियल यूज्ड, ऑब्वियसली द डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट. ठीक है, ये वाला काम हो गया. लास्ट वाला मटेरियल यील्ड क्वांटिटी या सब यूसेज वेरिएंस, दिस इज योर ओवरऑल एफिशिएंसी या इनएफिशिएंसी इन कंज्यूमिंग योर रॉ मटेरियल. और ये वाला वेरिएंस कंप्यूट कैसे होता है, ओवरऑल मटेरियल कितना यूज होना चाहिए था 90, ओवरऑल रॉ मटेरियल कितना यूज हो गया 100, इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज परचेज कॉस्ट. स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज परचेज कॉस्ट कैसे मिल सकता है, 750 अपॉन 90 कर लो, अगर ये नहीं करने का है तो 250 अपॉन 30 कर लो. इन एनी केस तुम्हारा जो आंसर आएगा बेटा वो सेम ही आने वाला है. ठीक है, दिस इज योर इनिशियल पार्ट. हम लोगों ने आप लोग के मटेरियल वेरिएंसेस कैसे किए थे, तो तुम्हारा फिफ्थ वाला वेरिएंस स्टैंडर्ड टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी यूज्ड, एक्चुअल टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज रेट. ठीक है, बस याद रखना यूसेज वेरिएंस के अंदर आप लोग अलग अलग करोगे हर एक टाइप ऑफ रॉ मटेरियल का, यहाँ पे आप लोग ओवरऑल कर लोगे. ठीक है, चलिए दिस पर्टिकुलर पार्ट इज डन. नाउ मटेरियल वेरिएंसेस अपना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया था जब ही क्वेश्चंस के अंदर स्टॉक आया था. ठीक है, तो सुनो, अगर कभी स्टॉक आया था तो सबसे पहले देख लेने का बेटा कि एक्चुअल आउटपुट कितना है. बेसिक फंडास तो वही रहेंगे, मटेरियल वेरिएंस विल बी स्टिल डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट. सपोज आउटपुट वाज 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, तो ऑफ कोर्स रिवाइज स्टैंडर्ड विल ऑल्सो बी मेड फॉर 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स. करेक्ट, नाउ 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स के लिए ए और बी मतलब तुम्हारे रॉ मटेरियल कितने कितने लगने चाहिए थे, एट व्हाट रेट वी शुड हैव परचेज देम,
अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारा जो खर्चा है कितने रुपीस का आना चाहिए. नाउ तो रिवाइज स्टैंडर्ड जो आपका है वो तो वैसे ही चलेगा जैसे पहले भी चलता था, लेकिन अभी अगर स्टॉक्स होगा तो याद रखना यू आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन रॉ मटीरियल कंज्यूम्ड. ठीक है, तो इफ ए इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ रॉ मटीरियल, बी इज योर सेकेंड टाइप ऑफ रॉ मटीरियल, ए का ओपनिंग स्टॉक लो, ए का परचेजेस लो, ए का क्लोजिंग स्टॉक लो, सेम वे बी का भी यहाँ पे सब कुछ कर लेना. अपार्ट फ्रॉम दैट जितना भी रॉ मटेरियल परचेज किया इस पीरियड के अंदर किस रेट के ऊपर परचेज किया इधर लिख देना, सेम थिंग ओवर हियर ऑल्सो. ठीक है, एक बार तुम्हारा इतना काम हो गया ठीक है, तो दिस विल बी कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल ए, दिस विल बी कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल बी, दिस विल बी नथिंग बट योर टोटल कंजम्पशन. ठीक है, लेकिन इसके बाद स्टॉक्स को तुम लोगों को रेट्स असाइन करने होंगे. ठीक है, ये जो स्टॉक्स को रेट असाइन करने की बात है ना, ओके यहाँ पर क्या क्या रेट आएगा दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप लोग प्लान कौन सा फॉलो करने वाले हो. तो यू हैव टू ऑप्शंस टू डू, विच टू ऑप्शंस बॉस? फर्स्ट पार्शियल प्लान. पार्शियल प्लान क्या बोलता है, जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया उसी के ऊपर वराइंस निकाल देंगे, दैट्स इट. ठीक है, तो अगर ये वाला मेथड फॉलो करने का है तो आप लोग को एक चीज यहाँ पे और फॉलो करना पड़ेगा, सेम फीफो मेथड. तो सुनो, ओपनिंग स्टॉक था, उसके बाद परचेजेस था, क्लोजिंग स्टॉक था, एक कंजम्पशन था, कंजम्पशन का ब्रेकअप करो, पहले ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, बाकी करंट ईयर के परचेजेस के अंदर से आ जाएगा. ओके, और उसके बाद एक और चीज, अगर पार्शियल प्लान है रॉ मटेरियल स्टॉक्स विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट विच कॉस्ट यार एक्चुअल कॉस्ट. आई हैव टोल्ड यू द रीजंस इन योर लेक्चर्स. ओके, तो रॉ मटेरियल स्टॉक्स विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट एक्चुअल कॉस्ट. ठीक है, बस एक बार इतना कर लोगे नाउ वी ऑल कैन स्टार्ट. नाउ याद रखना वी आर ट्राइंग टू डू वराइंसेस अंडर पार्शियल प्लान, एक और प्लान भी आएगा सिंगल प्लान, अभी के लिए पार्शियल प्लान. तो पार्शियल प्लान के ना वही पांच वराइंसेस जो तुम्हारे पहले भी थे एग्जैक्टली इन द सेम वे. फर्क क्या है, ज्यादा फर्क नहीं है. सुनो, पहले स्टॉक्स को फिगर्स असाइन कर लो ये सब कुछ. ठीक है, तो एक सेकेंड, ये हो गया, उसके बाद ये एक आ गया, एक मिनट. तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल रिक्वायर इज दिस इज रॉ मटेरियल ए का कॉस्ट, दिस इज रॉ मटेरियल बी का कॉस्ट, दिस इज योर टोटल कॉस्ट. अभी अपने वराइंस स्टार्ट कर देने का, स्टार्ट कर देने का मतलब फर्स्ट टोटल मटेरियल कॉस्ट वराइंस, खर्चा कितना होना चाहिए था, खर्चा कितना हो गया. सेकेंड मटेरियल प्राइस वराइंस एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. पार्शियल प्लान क्या बोलता है, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ उसी के ऊपर वराइंस आएगा, जो कंज्यूम नहीं हुआ उसके ऊपर क्या वराइंस. सो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम. तो सुनो, कुछ तुमको एक बार नंबर्स बोल देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में भी रहे और तुमको याद आ जाए जो हम लोगों ने किया हुआ है. सपोज ओपनिंग स्टॉक 20 था, परचेज 200 किया, क्लोजिंग स्टॉक 30 है, तो ये कितना आ जाएगा 190. Suppose 200 units were purchased at the rate of 5, okay? Last year 20 units were purchased at the rate of 4. If I follow FIFO method, to 30 will be out of 200. Therefore, will get valued at kitna yaar? 5, okay? In this case, follow FIFO method. To opening stock 20 ho jayega, baki 170 ho jayega, theek hai? Suppose, aapka jo standard rate hai 4.5 hai, theek hai? अभी आपको मटेरियल प्राइस वराइंस कैलकुलेट करना है एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन. तो मैं सिर्फ रॉ मटेरियल ए के लिए आंसर दो बार निकालूंगा. दो बार कैसे, एक बार ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी, एक बार परचेजेस वाली क्वांटिटी. एक सेकेंड, टोटली कितना यूनिट्स कंज्यूम हुआ था, कितना यूनिट्स कंज्यूम हुआ था 190. मेरे को उसी के ऊपर वराइंस निकालना है, लेकिन 190 का दो पार्ट है ना, एक ओपनिंग स्टॉक और एक करंट ईयर का परचेजेस. तो दो बार वराइंस आएगा और दो बार वराइंस मैं बस बोल रहा हूं तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा. ओपनिंग स्टॉक 4.5 के ऊपर खरीदना चाहिए था, कितने के ऊपर
खरीदा 4 इंटू 20 यूनिट्स, ठीक है, और बाकी 174.5 के ऊपर खरीदना चाहिए था, कितने के ऊपर खरीदा 5 इंटू, याद रखना 200 नहीं लिखना बेटा, 200 नहीं लिखना, कितना लिखना 170. यू कैलकुलेट द वेरिएंस ओनली फॉर दैट क्वांटिटी विच इज कंज्यूम, ठीक है. तो वैसा ही ए के साथ भी होगा और वैसा ही बी के साथ भी होगा, बस, ठीक है. थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर कोई चेंज नहीं है. मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट कैसे होता है, जैसे हमेशा कैलकुलेट हुआ है, कितना रॉ मटेरियल यूज होना चाहिए था, कितना रॉ मटेरियल यूज हुआ इनटू योर स्टैंडर्ड रेट, सेम थिंग फॉर ए, सेम थिंग फॉर बी ऑल्सो. और उसके बाद तुम्हारा मिक्स वेरिएंस और यील्ड वेरिएंस भी वैसे ही चलेगा. बोल देता हूँ बस, इस एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम का ब्रेकअप क्या होना चाहिए था वो निकाल लेना. ब्रेकअप क्या है वो तुम्हारे पास इधर होगा, जैसे ए का 190 है, बी का भी होगा, इनटू स्टैंडर्ड रेट्स. और तुम्हारा यील्ड वेरिएंस ओवरऑल इतना यूज होना चाहिए था, ओवरऑल इतना यूज हो गया, इनटू स्टैंडर्ड वेटेड एवरेज, ठीक है. ये हो गया तुम्हारा कौन सा प्लान बेटा, पार्शियल प्लान, ठीक है. अभी अपने को नेक्स्ट प्लान भी करने का है, सिंगल प्लान. ओके, तो सिंगल प्लान सुनो, अभी भी यहाँ पर स्टैंडर्ड तो वही रहेंगे जैसे तुम्हारे पहले थे, कोई चेंज नहीं है, ठीक है. तो एग्जांपल ए के लिए लिख देता हूँ 4.5, कोई चेंज नहीं आएगा. ओपनिंग स्टॉक परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 20 यूनिट्स था, 200 था एट द रेट ऑफ 5, ये 30 था और ये 190 था, ठीक है. याद रखना ये सिंगल प्लान है. सिंगल प्लान क्या बोलता है कि द मोमेंट यू परचेज इन वन सिंगल शॉट कंप्यूट द वेरिएंस. तो यहां पर आप लोग कुछ ऐसे करने वाले हो, स्टॉक्स विल नाउ स्टार्ट टू गेट वैल्यूड एट विच पर्टिकुलर कॉस्ट, यार स्टैंडर्ड कॉस्ट विल स्टार्ट टू गेट वैल्यूड एट विच कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट. तो एक सेकेंड, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना दिया हुआ है 4.5, तो दिस विल ऑल्सो गेट वैल्यूड एट 4.5. अच्छा, ओपनिंग स्टॉक टेक्निकली स्पीकिंग विल गेट वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ लास्ट ईयर, बट लास्ट ईयर का स्टैंडर्ड कॉस्ट वी ऑल डू नॉट हैव. ओके, इफ यू डू नॉट हैव देन यू अज्यूम इट टू बी सेम एज करंट ईयर, इफ यू हैव देन यू टेक द थिंग्स ऑफ द लास्ट ईयर, ठीक है. तो वो सब कुछ कर लेना, एक बार वो कर लोगे देन स्टार्ट अवे विद योर वेरिएंसेस. फर्स्ट वन, टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, खर्चा कितना होना चाहिए था, खर्चा कितना हो गया, बस यही फर्क है. एक तो ना इस वेरिएंस को नाउ सम पीपल से इट शुड बी कॉल्ड एज मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस, ये वाला नाम याद रखना, मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस. पहले हम लोग क्या बोल देते थे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अभी बोल देंगे मटेरियल परचेज प्राइस वेरिएंस, ठीक है. एट द पॉइंट ऑफ परचेजेस, वो आपको इस वर्ड से भी पता चल जाएगा. और वो वाला वेरिएंस कैसे कंप्यूट होगा, अगर मैं अपना एग्जांपल बात करूं तो किस रेट पे खरीदना चाहिए था 4.5, किस रेट के ऊपर खरीदा 5, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड, ठीक है. बस एक बार ये वाला काम कर लोगे इट्स ऑल ओवर. थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ के अंदर कोई चेंज नहीं आता. याद रखना, प्राइस वेरिएंस के लिए क्वांटिटी परचेज ले सकते हो, लेकिन यूसेज वेरिएंस तो हमेशा यूसेज के लिए ही होगा. यूसेज मतलब कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम करना चाहिए था, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम किया, एंड अकॉर्डिंगली इन दैट पर्टिकुलर केस आप लोग यहाँ पर अपना आंसर निकाल लेना, विच विल बी सेम एज पार्शियल प्लान. ओके, तो याद रखना पार्शियल प्लान या सिंगल प्लान लास्ट थ्री वेरिएंसेस को अफेक्ट ही नहीं करते, दे विल ओनली बी अफेक्टिंग द फर्स्ट टू वेरिएंसेस एंड नथिंग एल्स, ठीक है. जस्ट टू कंक्लूड, तुमको कई चीज़ें बता रहा हूँ ताकि तुम लोग को याद रहे. पार्शियल प्लान, सिंगल प्लान, एट द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन, एट द पॉइंट ऑफ परचेजेस. सेकेंड, रॉ मटेरियल वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट, रॉ मटेरियल वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है. थर्ड वाला जो आपका पॉइंट है यहाँ पर, फीफो लीफो डज मैटर. ओके, यहाँ पे फीफो लीफो डज नॉट मैटर. अगर कभी स्टैंडर्ड प्राइसेस रिवाइज हुए, एक साल में कुछ और, नेक्स्ट ईयर कुछ और, तो फिर पार्शियल प्लान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंगल प्लान को फर्क पड़ेगा. हम लोगों ने एक ऐसा क्वेश्चन बुक के अंदर भी करके रखा हुआ है, ठीक है. चलिए, नाउ व्हाट इफ स्टैंडर्ड्स आर रिवाइज्ड. अभी रिवाइज का मतलब वो नहीं जो अभी अभी मैंने 10 सेकंड पहले बोला, उसका मतलब क्या, रिवाइज स्टैंडर्ड का मतलब क्या. सपोज ऐसे जरा सोचो,
अपना इस साल का एक्चुअल आउटपुट 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स था, ठीक है, एक्चुअल आउटपुट 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स था. तो एक्चुअल आउटपुट 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, सो रिवाइज स्टैंडर्ड शुड ऑल्सो बी मेड फॉर 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स. तो ये भी रिवाइज स्टैंडर्ड ही है. यहाँ पर भी लिख देता हूँ 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, आप लोगों को याद आ जाएगा वट एवर आई एम ट्राइंग टू सी नाउ. सपोज दो टाइप ऑफ रॉ मटेरियल है ए एंड बी. जब हम लोगों ने फर्स्ट डे स्टैंडर्ड बनाया था ना, अपने को ऐसा लगा 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स के लिए ए 200 लगना चाहिए, बी 300 लगना चाहिए, इन ऑल 500 लगना चाहिए, ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट रेट, रेट शुड हैव बीन से 5 and 10. तो ये हो जाना चाहिए 1000, ये हो जाना चाहिए 3000, ये हो जाना चाहिए 3500, ठीक है. ये हम लोगों ने कभी सोचा था ऑन द फर्स्ट डे, ठीक है. ये वाला डेटा 100 यूनिट्स का है, लेट मी कॉल दिस थिंग एज रिवाइज मास्टर स्टैंडर्ड. लेकिन बीच में क्या होना स्टार्ट हो गया, रॉ मटेरियल ए का ना बाहर आजकल सप्लाई आई नहीं रहा, रॉ मटेरियल ए बहुत मुश्किल से मिल रहा है. तो मेरे को पता चला मार्केट के अंदर ए जो मैंने किसी ज़माने में सोचा था 5 rupees के ऊपर खरीद सकता हूँ, मेरे को लगा अभी इतनी शॉर्टेज हो गई, 7 rupees से कम के अंदर तो आई नहीं सकता. सो आई वॉन्टेड टू चेंज माई स्टैंडर्ड, टू 7. क्वांटिटी उतना ही 200, मेरे को लगा उतना यूनिट्स में खरीद पाएगा बट एट अ हायर रेट. फिर मेरे को एक और चीज़ लगा, बी का जो क्वालिटी मार्केट के अंदर आ रहा है आजकल इतना थर्ड क्लास है कि 300 के बदले में 400 यूनिट लग जाएंगे, से परचेज एट द रेट ऑफ 10, तो ये आ जाएगा 600, ठीक है. तो ये आ जाएगा 1400, ये आ जाएगा 4000, तो ये आ जाएगा 5400, ठीक है. तो दिस इज अ स्टैंडर्ड दैट आई थॉट ऑन द फर्स्ट डे, ओके, बट बेस्ड अपॉन एक्चुअल आउटपुट 100 यूनिट्स. साल के अंदर चेंजेस हो चुके, यू ऑल विल अंडरस्टैंड इन रियालिटी द सिचुएशंस डू नॉट रिमेन सेम. जो फर्स्ट डे सोचा था शायद लास्ट डे वो ना हो, तो फिर तो देन हम लोगों ने नया स्टैंडर्ड बना लिया फॉर 100 यूनिट्स, ठीक है. तो याद रखना ये भी स्टैंडर्ड ही है, ये भी स्टैंडर्ड ही है, लेकिन ये भी रिवाइज स्टैंडर्ड ही है, ये भी रिवाइज स्टैंडर्ड ही है, बट दिस इज रिवाइज स्टैंडर्ड बेस्ड अपॉन द कंडीशंस एप्लीकेबल ऑन द फर्स्ट डे. दिस इज योर रिवाइज स्टैंडर्ड बेस्ड अपॉन द कंडीशंस दैट कीप ऑन चेंजिंग एज सच, ओके. और एक्चुअल के अंदर सपोज 175 यूनिट्स लग गया, यहाँ पे से 500 यूनिट्स लग गया, तो 675 लग गया, से परचेज एट द रेट ऑफ 7.5, परचेज एट द रेट ऑफ 9, तो तुम्हारा कॉस्ट आ गया, ठीक है. अभी ऐसे केस के अंदर ना आजकल लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ना एक टाइम पर एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था. डिसएडवांटेज क्या था, स्टैंडर्ड्स फर्स्ट डे बना लिया, एक्चुअल्स को उसी के साथ कंपेयर कर लो. दैट टाइम वी यूज टू बी सेइंग दैट दीज आर ट्रेडिशनल वेरिएंसेस. ट्रेडिशनल वेरिएंसेस मतलब जस्ट कंपेयर ओरिजिनल स्टैंडर्ड ऑन द फर्स्ट डे विद एक्चुअल. लेकिन जरा सोचो ना, दिस डेटा माइट नॉट बी कंपेरेबल विद दिस पर्टिकुलर डेटा. वाई? बहुत सिचुएशंस हैज चेंज. जरा सोचो, 5 rupees का चीज 7.5 पे नहीं लिया, 5 पे तो मटेरियल खरीद भी नहीं सकता. सो मटीरियल नाउ हैज टू बी परचेज एट द रेट ऑफ ₹7. ओके, सो देन तो आप एक काम जरा करो, सेम वे बी के लिए भी, आई cannot compare 300 with 500. जो क्वालिटी आ रहा है इतना बेकार आ रहा है, what can be compared is 400 with 500. ओके, तो आजकल ना इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देर इज वन न्यू थिंग दैट वी डू. वॉट इज दैट पर्टिकुलर थिंग? ये जो ट्रेडिशनल वेरिएंस है, इट इज कंपेयरिंग दिस विद दिस. हम लोग ना इसको दो हिस्सों के अंदर तोड़ देते हैं. दिस विल बी कॉल्ड एज प्लानिंग वेरिएंसेस, दिस विल बी कॉल्ड एज ऑपरेशनल वेरिएंसेस. योर मैनेजर शुड ओनली बी ब्लेम्ड फॉर ऑपरेशनल वेरिएंसेस. ऑपरेशनल वेरिएंसेस मतलब जो अपने हाथ के अंदर हैं, दीज ऑल्सो कॉल्ड एज कंट्रोलेबल वेरिएंसेस. दीज आर कॉल्ड एज प्लानिंग वेरिएंसेस, दीज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कंट्रोलेबल. इसके बीच में और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो और किसी चीज की वजह से नहीं आया, वो इसलिए आया क्योंकि सिचुएशंस चेंज, वो आपके हाथ में थोड़ी होती हैं, ओके. लेकिन जो इसके और इसके बीच में आया वो तो अपने हाथ में था ना यार, ओके. सो गिवन अ चॉइस, अगर आपके पास ऐसा दो दो स्टैंडर्ड्स है, ओके,
try to calculate a traditional variance and then try to break it up further into planning variances and into operational variances. Okay, this is an important question, just pay attention please. Okay, to iska jo bhi hum logon ne do question classroom ke andar kiya tha wo ek bar dekh ke jana. Yaad rakhna, jab aap in dono ko compare kar rahe ho, aap log apne five variances nikal lena, total material cost, price, usage, mix and yield. Same way jab aap in dono ko compare kar rahe ho, aap log apne panch variances nikal lena, total, price, usage, mix and yield. ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल वही है, लेकिन हम लोग एक सेट ऑफ वैरायंसेस नहीं निकालेंगे, हम लोग दो सेट ऑफ वैरायंसेस निकाल लेंगे. ओके, नाउ दिस विल एग्जॉस्ट एवरीथिंग ऑफ मटेरियल्स दैट वी ऑल हैव टू बी डूइंग. ओके, आई विल सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे वी विल ट्राई टू कवर अप लेबर एंड समथिंग इंपॉर्टेंट ओवर देयर. ओके, बाय.